सीरियल अनुपमा में श्रुति खुदकुशी करना चाहती है, यानी कि श्रुति अनुज और अनुपमा के बढ़ते नजदीकियां को देख के वो सुसाइड करना चाहती है। तो क्या है पूरी डिटेल आइए जानते हैं। श्रुति को गोली लग जाती है जिस वजह से वो चल फिर नहीं पाती है और उसे केयर की जरूरत होती है, आध्या को केयर की जरूरत होती है। तो अनुपमा को अनुज ले आते हैं घर में ताकि अनुपमा अपनी बेटी का भी ध्यान रखे और श्रुति का भी ध्यान रखे। अनुपमा अनुज के घर में रहती है। अब अनुपमा और अनुज एक जगह है, भले हम कितना भी गुस्सा क्यों ना हो लेकिन हम अपना फीलिंग नहीं छुपा पाते। तो यही अनुपमा और अनुज के साथ हुआ है। अनुपमा और अनुज भले ही एक दूसरे से दूर रह रहे हैं लेकिन उनके बीच में फीलिंग जो है वही पहले जैसा है। तो अनुपमा और अनुज साथ रह रहे हैं और दोनों काफी हंसी मजाक कर रहे हैं और दोनों को इस तरह से घुलता मिलता देखकर, हंसी मजाक करता देखकर श्रुति को खटकने लगा है। श्रुति को अच्छा नहीं लग रहा है कि अनुज और अनुपमा दोनों एक साथ इस तरह से घुल मिल रहे हैं। तो वहीं श्रुति ये भी देख रही है कि अनुपमा किस तरह से अपनी बेटी के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है, वो रिश्ता सुधार रही है। तो श्रुति जो है अनुज को किसी और का होता हुआ नहीं देखना चाहती, इसलिए श्रुति अनुज की जिंदगी से जाने का फैसला लेती है और वो चाहती है कि वो खुदकुशी कर ले, ऐसा वो अनुज से भी कहती है। तो अनुज काफी मतलब शॉक्ड है कि वो करे तो करे क्या, एक तरफ अनुज का 26 साल वाला प्यार, एक तरफ श्रुति जो कि 5 साल तक उसकी बेटी आध्या का इतना ध्यान रखी, अब उसके पेरेंट्स भी नहीं है। तो अनुज काफी दुविधा में है। अब देखते हैं कि सीरियल का अपकमिंग एपिसोड में क्या होता है। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या आपके अकॉर्डिंग अनुज और अनुपमा को एक हो जाना चाहिए, क्या श्रुति को इनके बीच से हट जाना चाहिए? जो भी लगता है कॉमेंट करें और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गपशप। तो